दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के हार के बाद जहां भारतीय टीम पूरी तरह से निराश था, वहीं भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को 5 T20 मैचों की सीरीज में हराकर सीरीज अपने नाम कर लिया है। तो वहीं आज अय्यर ने मैन ऑफ द मैच बनकर क्या कहा है भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दरअसल भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय बल्लेबाजों ने 160 रन बनाए, जिसमें अय्यर ने 53 रन की गजब की पारी खेली। अय्यर आज अपने मन मुताबिक बल्लेबाजी कर रहे थे और अय्यर की बल्लेबाजी देख पूरा ऑस्ट्रेलिया थर्रा चुका था, लेकिन अय्यर के आउट होते ही भारतीय बल्लेबाज जितेश शर्मा ने एक अच्छी पारी खेली। अक्षर पटेल के साथ जितेश शर्मा ने भारतीय टीम को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम 160 रन बनाकर 8 विकेट के नुकसान पर। अय्यर के अलावा जायसवाल ने 21 रन, गायकवाड़ ने 10 रन और जितेश शर्मा ने 24 रन और अक्षर पटेल ने 31 रन की एक धमाकेदार पारी खेली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जेसन बहनड्रॉप ने 2 विकेट, ड्रॉइस ने 2 विकेट और तनवीर सांघा ने मात्र 26 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किए। लेकिन अय्यर ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भारतीय टीम को लेकर कहा है उसे सुन सब हैरान हो गए, क्योंकि अय्यर उस टीम का हिस्सा थे जब भारतीय टीम फाइनल हारी थी। और अय्यर ने भारतीय टीम और कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर कहा कि विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा जिस हिसाब से टूट चुके थे उसे देखकर हमारा पूरा मनोबल गिर चुका था, हमें फाइनल जीतना चाहिए था लेकिन हम फाइनल नहीं जीत सके, लेकिन भारतीय टीम ने जिस हिसाब से वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेला था वह काबिले तारीफ था और 140 करोड़ दर्शक ने हमारा जिस हिसाब से साथ दिया था उसका शुक्र अदा करना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन हमने अब उस गम को भुलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया है और आज ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज जीतकर बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे लिए यह सीरीज भी उतना ही अहम था। आने वाले वक्त में T20 वर्ल्ड कप में हम जीतकर अपने देशवासियों को 2024 में वर्ल्ड कप का तोहफा जरूर देंगे। वहीं अय्यर ने बात करते हुए भारतीय टीम के साथ साथ सूर्य कुमार यादव के तारीफ में और रिंकू सिंह के तारीफ में कहा कि ये खिलाड़ी बहुत ही टैलेंटेड हैं और आने वाले वक्त के भारतीय भविष्य हैं। तो दोस्तों आपको सूर्य कुमार यादव का और रिंकू सिंह का बल्लेबाजी अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।